हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आईएमपी क्वेश्चंस ये मैंने अपलोड करे हीट ट्रांसफर और डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो आप वो जाके देख लेना, आपको वो वीडियोस दिखेंगे और प्लेलिस्ट के लास्ट में भी वो होंगे। तो दूसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आईएमपी ये क्वेश्चन से इन सारी मैथोलॉजी को मैं प्रमोट नहीं करता, फिर भी स्टूडेंट्स ने बोला तो आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट डाल दी, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आप सिर्फ पास होकर निकल जाओगे। तो इससे इसके लिए तो हम मैकेनिकल नहीं किया था, ठीक है? हमने मैकेनिकल किया ताकि हमें नॉलेज मिले। तो आप प्लेलिस्ट देखिए, एक मास्टरी लीजिए उसकी, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, उसके बाद लास्ट में आप ये आईएमपी क्वेश्चंस देगा ताकि आपका फोकस नॉलेज से ना हट जाए। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी बोलेंगे सर हमारे क्या वीडियो का बताइए, सर हमारा डीएमई का बताइए, हमारे पीपी का बताइए, हमारे आरएससी इलेक्टिव का बताइए, ईटी के टोम सीबीपीडी का बताइए, मैथ्स वन का बताइए, बीएमई का बताइए, इन लोगों का भी आएगा, है ना? सेम सेवन वालों का भी आएगा, फिफ्थ का ओआर का भी आएगा, थर्ड का भी सारे सब्जेक्ट का आएगा, फर्स्ट का भी सारे सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन वो कब, जब हमारी अपनी करंट प्लेलिस्ट चल रही है वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं डालूंगा एग्जाम के 15-20 दिन पहले, ठीक है? सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, प्रोफेसर कार्तिक के बारे में बताइए, डोनेट कीजिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है, और बस यही बताना चाहता हूँ, और क्या फैला दो यार।